नमस्कार दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिग्नल ऐप को यूज़ कैसे करेंगे अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आप सिग्नल ऐप को यूज़ करते या अपने फ़ोन में सिग्नल ऐप को यूज़ करना चाहते हो और उसके बाद आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि चलो फ़ोन में तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, अगर हमारा काम डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे पड़ रहा है सिग्नल ऐप को, तो कैसे यूज़ करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बता दूंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि सिग्नल ऐप को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे कैसे यूज़ करेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपने गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे आने के बाद मैंने सिग्नल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सिंपली ओपन कर दिया। और जैसे ही आपकी सिग्नल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी, जो फर्स्ट लुक होगा, फर्स्ट इंटरफेस होगा, कुछ इस प्रकार का होगा आप डिस्प्ले पे जैसा कि देख पा रहे हो। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा गेट सिग्नल, इस पर करना होगा क्लिक। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सिग्नल फॉर मोबाइल और सिग्नल फॉर डेस्कटॉप, तो आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाउनलोड फॉर विंडो, इस पर करना होगा क्लिक। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे लगभग ये 170 MB का ये सॉफ्टवेयर होगा, इसको डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर देना होगा। और ये ऑटोमेटिक इंस्टॉलिंग के बाद ही जो इंटरफेस है, जो फर्स्ट लुक है, कुछ आपके सामने इस प्रकार का होगा जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हो। लिखा है लिंक योर फ़ोन टू सिग्नल डेस्कटॉप, और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को ओपन करना होगा। और अपने फ़ोन को ओपन करने के बाद आप अपने सिग्नल के प्रोफाइल में जाएंगे, और प्रोफाइल में जाने के बाद सिंपली आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा लिंक्स डिवाइस का, नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा है जैसा कि लिंक्स डिवाइस, इस पर करना होगा क्लिक। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने थोड़े प्रोसेस के बाद जो फर्स्ट लुक है कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर करना होगा क्लिक। और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आप अपने कैमरे को अलाउ कर दोगे, और अलाउ करने के बाद ये जो QR कोड है अपने फ़ोन से स्कैन कर देना होगा। और जैसे ही इस QR कोड को आप फ़ोन से स्कैन कर दोगे, ये कुछ सेकंड बाद आपका फ़ोन और ये जो लैपटॉप है दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद आपको डिस्प्ले पे जो फर्स्ट लुक है दिखाई दे रहा है, चूज द डिवाइस नेम, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिवाइस नेम देना चाहें अपने डेस्कटॉप पे दे दें, इस लैपटॉप में दे दें। उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है फिनिश लिंकिंग फ़ोन, इस पर करना होगा क्लिक। और जैसे ही फिनिश लिंकिंग फ़ोन पे क्लिक करोगे जो आपका ये सिग्नल का जो मैसेंजर है ये लॉगिन हो जाएगा, चालू हो जाएगा। उसके बाद आप चैट करें, और इस पर एक एडवांस फीचर मिल रहा है वीडियो कॉलिंग का, जैसे ही आप वीडियो वाले आइकन पे क्लिक करोगे आपकी यहाँ से वीडियो कॉलिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।